पुराने तो आज के जमाने को बना दिया यो। हम तो बहुत आर्किटेक्चर कर रहा है भाई। इंडियन टूरिस्ट 50, इंडियन स्टूडेंट। क्योंकि पुराने जमाने की गाड़ी है यार। नाइट में क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त। नारगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर की सुरक्षा सन 1734 में कराया गया। मतलब जयपुर आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ये बात तो सत्य। बड़ा ही खूबसूरत है भाई, पैसा लगा रहा हो, सही कह रहा हो दीपक। पधारो मारे नारगढ़ जाते जाते हमें ये एक स्पॉट मिला जहाँ से पूरा जयपुर शहर लाइटिंग ही लाइटिंग, जल महल भी, वाह क्या नजारा है। गढ़ फोर्ट में एंटर हो चुके हमने, 50 रुपए की अपनी टिकट कटवा ली गाड़ी की। और फोर्ट की अलग होगी है ना, या ऐसे ही है बस? क्या फोर्ट की अलग टिकट है या फिर यही है 50 रुपए बस लेनी पड़ेगी भाई? अच्छा तो फोर्ट तो कहीं देखेंगे, बाहर से ही देख लेंगे भाई जो भी है। अंदर जाने को तो टाइम भी ना, अब 7:30 हो गए भाई, यहीं पे गाड़ी से ही जो देखना वो देख लेंगे। ये कुछ नजारा है नारगढ़ फोर्ट। नारगढ़ चांद ना कर रहा है वैसे तो पूरा, कोई अंधेरे वाली बात तो है नहीं। सनराइज पॉइंट भी है यहाँ तो, ये आपके साइड में राइट साइड में जयपुर शहर पूरा। जयपुर राइट में क्यों लगा हुआ, यहाँ भी है जगह तो चल यहाँ लगा दे व्हीकल पार्किंग। भाई पहुंच गए नारगढ़ फोर्ट, देखते हैं अगर बाहर से कुछ देखने को मिलता है हमें तो। आवास 7:30 बजे तो हमारी एंट्री हो रही है भाई। अरे ऐसे ही देख के चल देंगे, आजा जो भी दिखेगा। चल जहां तक कोई रोकेगा नहीं वहां तक। शीश महल सीएम के चार दिन आज ना आया मतलब। शुल्क प्रवेश 30 मार्च राजस्थान दिवस, कृपया स्मारक स्वच्छ रखें। एंट्री टिकट इंडियन टूरिस्ट 50, इंडियन स्टूडेंट 25, फॉरेन वालों के लिए 200। ओ भाई साहब 50 रुपए की है भाई, ले लो फिर। फिर के जा रहा हुआ तो 50-50 की बार बार की ले लो फिर, ठीक है। 50 रुपए की एक जने की टिकट है, 4 लिए हमने। टिकट चेकिंग पॉइंट हो गई अपनी, टिकट चेक, चलते अब अंदर। लिख रो बोर्ड पे नाहरगढ़ भाई, जानकारी पूरी 1835 से 1880, 1880 से मिली भाई 1699, 1743 पूरा पढ़ लेना भाई। नाहरगढ़ किले का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर की सुरक्षा सन 1734 में कराया गया था। और भाई आप पढ़ लेना, इतना मैंने पढ़ दिया आपके लिए। 1734 में जयपुर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था ये नाहरगढ़ फोर्ट। यार नाइट में क्या व्यू आ रहा है, जबरदस्त व्यू पॉइंट यहाँ से दिखता होगा जयपुर इस तरफ से। चलेंगे अभी देखने, क्योंकि पुराने जमाने की गाड़ी है। शीश महल एंडेवर, यार गाड़ी तो बहुत अंदर जा रही है वे, गाड़ी तो घनी जान लग रही है। अरे गाड़ी तो बहुत जा रही है अंदर यार। पैसा खड़े हो जा जल्दी, पैसा फूड कोर्ट है खाने पीने को, हमें राइट साइड जाना है। चलो बड़ा ही खूबसूरत है भाई, पैसा लगा रहा को, सही कह रहा हो दीपक। यो यो है को फिर प्राइवेट है ना, ना ये प्राइवेट। और इसकी टिकट कम की है, उसकी टिकट बहुत ज्यादा है, वो ही है प्राइवेट।
इसकी टिकट है भाई 150 इसकी 50 ये लास्ट बिल्डिंग है इसके अंदर जो भी कमर कुमर है बस वो छोटा है फिर हाँ वो छोटा है और शहर दिख रहा हो यू केवल प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हो नाहरगढ़ फोर्ट तुम्हें कैसे पता पढ़ लिया मैंने बाहर प्रोटेक्शन के लिए मतलब देखने के जयपुर के हाँ जयपुर की प्रोटेक्शन के लिए ओ आगे कहाँ है तो उतर लो SBI का ATM भाई सही है भाई टाइम के हिसाब से चलो जयपुर लाइट बड़ी जबरदस्त लगा रहा है पूरा चांदनो ये तो फिर लेट तक खुल तो रहा है 9 बजे तक 10 बजे तक है नाहरगढ़ 10 बजे तक और हो जाओ 6 बजे बंद है 6:30 मतलब जयपुर आप एक दिन में एक्सप्लोर नहीं कर सकते ये बात तो सत्य है ना कर सके भाई एक दिन में अच्छी तरह तो ना कर सके दो दिन में मान ले हाँ यहाँ ले ये है बढ़िया महल ये शीश महल की एंट्री तो भाई एंटर हो गए हम यहाँ से महल के अंदर क्या लिख रहा है ये स्कल्पचर पक पता ना भाई इतनी अंग्रेजी ना आवे फोटो कैडी आएगी यहाँ है ना भाई साहब पधारो मारे देश यहाँ लोग रह रहे ये चढ़े अभी चलो भाई अंदर नाहरगढ़ फोर्ट की एंट्रेंस चल जहाँ जहाँ चलने को है वहाँ वहाँ चलो ये हम तो बहुत आर्किटेक्चर कर रहा है भाई ये तो आज के जमाने पुराने तो आज के जमाने को बना दिए हो हैं ये नए आए हो सब चीज़ है ना भाई ये सारी चीज नहीं है ये सारी तो भाई आज की आर्किटेक्चर है ये तो पुराना तो नहीं है ये नाहरगढ़ फोर्ट में सब आज के हिसाब से बना रखा है पुराना तो सब गया जो जाना था चला एक बार ऊपर और देख ले भाई खिड़कियों में से झांक के यो गुफा है वो जाल जब भी बनाओ पहले कही कैसे अंदर बड़ी है क्यों कैसे ओ भाई ये कुर्जी नो आगो ये तो घणो भीड़ है ओ भाई साहब ये तो मेरे हिसाब का है भीड़ा सा भाई मेरा तो सॉरी बना मैं ओरे कैसे देखे बस गो अंधेरा हो गया एकदम ओ भाई साहब ओ यूके दिखो ये तो पूरा जयपुर दिखो फिरता मैं 10 बार देख लिया भाई हमने पूरा जयपुर यहाँ से नाहरगढ़ फोर्ट ओ भाई साहब पूरा क्लियर है क्या नजारा आ रहा है यहाँ तो जल महल ना दिख रहा है ये दूसरी साइड है जयपुर की है एक उस साइड दिख है मोला तो भाई ये कुछ नजारा है नाहरगढ़ फोर्ट का रात को बहुत पब्लिक है भाई बहुत ज्यादा पब्लिक एक मैं के भरत का फोटो ले भाई तू वीडियो में आ तू फोटो में की करेगा ले तू सब है बस लिंक शेयर कर दियो भाई मेरी फोटो देखो जाके चैनल पे ठीक है भाई के भी ला वीडियो में हां भाई भी ले रहा को भरत की हंसी भाई आवे ना पर वीडियो भाई लियो तो मैंने ठीक है भाई तो भाई नाहरगढ़ फोर्ट अभी भी कर रहे थे एक्सप्लोर हम बिल्कुल लास्ट पे हैं टॉप छत पे चढ़े हुए हैं हां भाई के देख रहे हो तुम यहां पे पूरा नजाम नुजूम चल गई दिखे
आवाज आ रही है, अजान हो रही है निजामुद्दीन। हाँ, तो मैं निजाम अजाम एक ही बात होगी ना, जो भी है। अब तो ज्यादा वो है भाई, पर देख चल गई, देख मुँह आवाज आ गया, तो कर ले वो जो करना है फिर ठीक है। देख आ रहा चले, अरे यार तू हद कर रहा है, मैंने कह दी तेरे तो 10 बार ले, तू ले फोकस में ले, तू यहीं तो ले लियो, तू यहीं तो ले लियो, तू अपनी स्क्रीन शॉट यूट्यूब पे चढ़ाऊं तो मैं भाई किस सीन और वो पूरो भाई हमारी गैल गैल चल रहे है बंदर जी। मथुरा नहीं है ये जो रोटी किला लेके फोन पकड़ा देंगे, तो हम फोन देंगे ना नहीं इतने आसानी से, तू दिक्कत क्यों ले रहा है यार, फोन कैसे दे देंगे, बैठे भी सारे आराम से। ये तो बस छत पे देखने लायक है, अंदर तो हमें सारी आर्किटेक्चर आज की है। हाँ मैं कह रहा हूँ भाई पूरा इसी के लिए बनाया, मैंने बाहर उस पर मेन पे देख लियो, यो कह रहे किसी पोल से दूर रहे, आकाशीय बिजली का झटका लग सकता है पूरा ऐसा। चलो भाई अब यहाँ से नीचे की तरफ उतरते हैं, अगर कुछ देखने लायक हुआ तो देख लेंगे, नहीं सीधा अपनी गाड़ी में चल के। मैं कह रहा हूँ पूरा बड़ो शहर है, देख उस तरफ पूरा मान ना रहे हो देखने को, तो हर जगह सेम ही चीज है वैसे तो, वहां तो देखो यहाँ तो देखो, बाबा बैठो है कौन बैठी, तो ऐसे ही बाबा की सेवा में मुझे ऐसा लग रहा कोई बाबा बैठो हो, आगे ना नीचे हम यहाँ है बाहर, तो ये तो अंदर है वहीं जा जाता है, चल चल यहाँ तो चल एग्जिट फ्रॉम हेयर। परली तरफ भी देख लियो हमने, अच्छा चलो तो चलो आगे भाई बाहर देख लिया पूरा नाहरगढ़ फोर्ट, आगे भाई बाहर 8 तो बज गए 8 बज गए चलो भाई चलो 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 सीधे गाड़ी में बैठो और सीधे लगाओ 11 बजे तक घर अपने, 8 बज गए 3 घंटा लगेंगे गुड़गांव तक, दिल्ली मुंबई नेशनल एक्सप्रेस वे से उसकी सुविधा लेते हुए सीधा घर 3-2.5 घंटे पहुंच जाएंगे वैसे तो, क्योंकि रात का वो है जाम भी नहीं मिलेगा तो, हाँ तो अगर ड्राइवर नितिन रहा तो 2.5 घंटे में, अगर कोई और रहा तो 3-3.5 घंटे में, ठीक है भाई ये सारे एक्सपीरियंस गेट जा रहे हैं अब सीधा बाहर, देख लिया हमने नाहरगढ़ फोर्ट भी, जयगढ़ फोर्ट भी और नाहरगढ़ फोर्ट दोनों देख लिए, दोनों एक्सप्लोर कर लिए बढ़िया जयगढ़ फोर्ट था अगर सच्चाई बताए तो, पैसा लगा हुआ नाहरगढ़ में, पैसा लगा हुआ नाहरगढ़ में, जयगढ़ वैसे पुराने जमाने का जो होता है ना एक्चुअल में वो वाला किला जयगढ़ वाला है। बाय नाहरगढ़, चलते हैं विदा लेते हैं भाई आगे अपनी गाड़ी के पास चलते हैं, चलो कहाँ हवा में, अच्छा आगे भाई गाड़ी में घूम लिए दोनों के लिए अच्छे से, अब देखते हैं कहीं खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद सीधा लगाएंगे अपने गुड़गांव घर सीधा, देखते हैं 2.5 घंटे लगे या फिर 3 घंटे लगे जो भी जितना भी टाइम लगेगा, सबसे पहले खाते हैं खाना। 2 घंटे चलो भाई, दीपक भाई बताइए क्या बोल रहे थे आप, मैं कह रहा था भाई नितिन ने ऐसे घुमा दिया, 5 बजे पहुंचते 7 बजे निकल लेते हैं भाई ऐसे ही फटाफट घूमना चाहिए अपनी जिंदगी में, यही टाइम है घूमने का, इसमें भी जल्दी जल्दी घूमो और आसपास की चीजें तो ऐसे ही एक्सप्लोर करो एक दिन में।
और जब बाहर जाओ स्पीति लद्दाख और कहीं केरला वेरला साइड वहां लगाओ 10 दिन आप, यहाँ तो एक दिन का काम है तो एक ही दिन लो।